नमस्कार, मैं कुशाल राठौड़ जयपुर राजस्थान से हूँ। आप, मैं और शायद हम सभी जानते हैं लाइफ में फिटनेस के लिए हमें बहुत कुछ करना चाहिए और उसकी अहमियत भी बहुत है। फिर प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है हमारा डेली लाइफ कमिटमेंट। रेगुलर जिम्स बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग है, बोरिंग फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट प्रोवाइड कराते हैं और सब कुछ करने के बाद में भी कोई गारंटीड रिजल्ट्स नहीं है। इन्हीं सारी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए वी हैव कम अप विद द आइडिया ऑफ वर्ल्ड्स फर्स्ट आउटडोर साइकिलिंग जिम। ये एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस मॉडल है जिसे हम मेट्रो सिटीज की हाई राइज सोसाइटीज और टाउनशिप्स, जहां पर एक साथ में 10,000 और 10,000 से ज़्यादा लोग रहते हैं, वहां पर सेटअप करते हैं। ये एक इक्विपमेंट है जिसमें एक रियल साइकिल है और एक प्रोफेशनल साइकिलिंग इक्विपमेंट है जिसे हम लोग बाइसाइकिल रोलर्स बोलते हैं। इस इक्विपमेंट की बात करें तो आपके ज़रूर मन में ये आया होगा ख्याल कि ऐसी बाइक्स तो जिम में भी होती है, जिम वाली साइकिल्स। लेकिन इस साइकिल के ऊपर और जिम वाली साइकिल को इसलिए कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज दिस बाइक्स गिव्स यू 100% फुल बॉडी वर्कआउट। एट द सेम टाइम आपको ऐसा लगता है कि आप साइकिल सही में रोड पे चला रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हम लोग इसको कहीं पे भी शिफ्ट कर सकते हैं टू गिव एन न्यू एंड डिफरेंट एम्बियंस एक्सपीरियंस टू द मेंबर्स हु आर जॉइनिंग अस। हमारा टारगेट एक एथलेटिक फिट स्लिम ट्रिम बॉडी बनाना है जिसके लिए कि वी हैव डिजाइंड अ सीरीज ऑफ साइंटिफिक फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट और वो वर्कआउट्स टेक्नोलॉजी ड्रिवन भी है। एक ऐप की मदद से आप आपकी लाइव परफॉर्मेंस देख सकते हैं कि आप किस स्पीड में साइकिल चला रहे हैं, कितने किलोमीटर साइकिल चलाई और विद एवरी पैडल कितनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं। ये मॉडल अभी हमारा जो आउटडोर साइकिलिंग जिम का है ये एक प्रोटोटाइप स्टेज पर है अभी। हालांकि हमने 2 जयपुर की बड़ी सोसाइटीज़ के अंदर इसको रन किया है और बहुत अच्छे सक्सेसफुली उसको फीडबैक्स लिए हैं हम लोगों ने। अभी मैं चाहता हूँ इसे मैं पूरे हिंदुस्तान की जितनी भी हाउसिंग सोसाइटीज़ हैं और मेट्रो सिटीज़ की बड़ी बड़ी टाउनशिप है वहाँ तक लेके जाऊँ। उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए और जिसके लिए मैं 10% ऑफ माई कंपनी ऑफर करना चाहता हूँ अगेंस्ट 50 लाख रुपीज एंड अ गुड मेंटोरशिप। कुशल, वेलकम टू शार्क टैंक। तो आप अपने बारे में बताइए कि आप इतना फिटनेस के बारे में एंथुजियास्टिक कब से हो गए एंड क्या आपका जर्नी रहा है? नहीं, फिटनेस के बारे में एंथुजियास्टिक तो शायद मैं, आई एम अ डिफेंस पर्सनल्स किड, सो हमारे तो शायद तक खून में ही ऐसा है कि हम सुबह मॉर्निंग में 5 बजे हम नहीं उठते हैं तो भी हमको उठना पड़ता है। आई एम वेरी मच इंस्पायर्ड फॉर माई फादर, इंडियन नेवी के अंदर वो डीप सी डाइवर थे, अब नाउ इज नाउ रिटायर्ड इज विद अस। जब कॉलेज पास आउट हुआ तो मैंने ट्रैवल टूरिज्म के अंदर कॉलेज पास आउट किया। ट्रैवल टूरिज्म में कॉलेज पास आउट करने के बाद में वही कंप्यूटर पर बैठ कर टक टक वाला जॉब था जिसको मैंने 3-4 महीने ही कर पाया, मैं ज़्यादा नहीं कर पाया। उसके बाद मैं आई स्टार्टेड अ एक्सपीरियंशियल ट्रैवल कंपनी जिसके अंदर मैंने साइकिल इन्वॉल्व करी बिकॉज साइकिल से मैं चाहता था कि मैं किसी ना किसी तरीके से एडवेंचर से और साइकिलिंग से रिलेटेड जुड़ा रहूँ। तो साइकिल एक्सपीरियंशियल ट्रैवल जो कंपनी मैंने रन करी वो मैंने 2017 तक स्टार्ट करी। 2020 तक आते आते जब प्रॉफिट दिखने लगा तब हमारा कोविड आ गया। तो मैंने आउटडोर साइकिलिंग जिम का कॉन्सेप्ट निकाला जिसके अंदर कि हम लोगों ने सबसे पहले ये बाइसाइकिल रोलर्स बनाए, इसकी हमारी इनहाउस मैन्युफैक्चरिंग है। देन आई एडेड ट्राइपॉड माउंट जिसके बाद में आपकी साइकिल इतने स्टेबल हो जाती है कि इसको कोई भी चला सकता है। मेरी मदर 30 मिनट्स तक डेली साइकिल चला पाती हैं जिन्होंने कभी जीवन में साइकिल नहीं चलाई। और वो जो इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट हमने डिजाइन किया है टू गिव अ रियलिस्टिक फील। आपको 13-15 डिग्रीज का एक लैटरल मोशन फील होता है उसके अंदर विच गिव्स यू अ रियलिस्टिक रोड लाइक एक्सपीरियंस। ये इक्विपमेंट्स पहले से निकल रहे हैं लेकिन फिर भी इसका एक मार्केट बहुत डिफरेंट है, एक नीश मार्केट है, एक लाइफस्टाइल प्रोडक्ट है। जब ट्रैवल कंपनी स्टार्ट करी थी तो भी आई डोंट वांट टू बी पार्ट ऑफ अ कॉम्पिटिशन, तो मैंने उसमें साइकिल डाली और अब भी मैं किसी कॉम्पिटिशन का पार्ट नहीं होना चाहता। तो आई डेवलप्ड अ कॉन्सेप्ट ऑफ आउटडोर साइकिलिंग जिम जो कि वर्ल्ड का पहला होगा विद 0 मार्केटिंग एक्सपेंसेस ये बिजनेस रन करेगा। मैं जैसे बहुत सालों से साइकिलिंग करती हूँ, मैं आयरन मैन किया था, उसके लिए काफ़ी ट्रेनिंग करनी पड़ती थी, तो मैं समझ रही हूँ कि ये यूज़ केस एक काफ़ी रेलेवेंट है। पर जैसे एक बीटविन का 10-15 हज़ार रुपये का ट्रेनर आता है जिसमें से रोलर्स होते हैं और वो आगे व्हील लगा दिया जाता है, वो बहुत ही चलता है काफ़ी साल। और एक दूसरे एंड पे है जो मेरे पास अभी है जैसे टैकेक्स का ट्रेनर है, स्मार्ट ट्रेनर, उसमें तो सामने जो ऐप है उसमें आप एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आप एक जर्नी के थ्रू जा रहे हो एंड पूरा ऐसा 360 डिग्री एक्सपीरियंस होता है साइकिलिंग का, जैसे आप घूम सकते हो लंदन में, न्यूयॉर्क में साइकिलिंग करने का फील आता है। तो इतनी एक रूडिमेंटरी सोल्यूशन से इतने एडवांस सब कुछ है 10-15 हज़ार से 1.5 लाख तक का, तो आपको अलग से इक्विपमेंट क्यों बनाया आपने? वो खरीद के
पूल के सामने क्यों नहीं रख दिया आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए? यस, सो हम लोग सबसे पहले बात करें कि वो जो बिटवीन का ट्रेनर आता है दैट मेक्स योर बाइक वेरी स्टेशनरी. एक स्टेशनरी बाइक के ऊपर जब आप साइकिल चलाते हैं सो देयर आर सॉफ्ट इश्यूज. आपकी बाइक स्टेशनरी है उस वाले इक्विपमेंट के ऊपर, लेकिन आप मूव कर रहे हैं तो आपके सॉफ्ट इश्यूज जलते हैं. द सेम इज द केस विद द स्मार्ट ट्रेनर्स. इस वाले के ऊपर ऐसा होता है कि जब आप मूव करते हैं तो आपकी साइकिल भी वैसे ही मूव करती है जैसे रोड के ऊपर मूव करती है. सो आपके सॉफ्ट इश्यूज बर्न नहीं हो. दिस इज वन केस. एंड उसके बाद में वो जो साइकिल है स्मार्ट ट्रेनर जो कि बहुत महंगे आते हैं वो भी आपकी बाइक को स्टेशनरी ही बना देते हैं. उसके बाद में आपको एक अलग से टायर लगाना पड़ता है. तो इसके अंदर आपको ट्रेनर टायर लगाने की जरूरत नहीं है बिकॉज इसके अंदर आपकी बाइक रोल कर रही है. और यदि हम लोग उसकी बात करें जो आपका स्मार्ट ट्रेनर है उसको भी आपको इलेक्ट्रिसिटी चाहिए, वो प्रॉपर उसका सेटअप चाहिए. इन साइकिल्स के अंदर एक सेंसर लगता है विच कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू ज्विफ्ट और एनी ऑफ दीज एप्स. कुशल, ये बनाने के लिए तो बहुत पैसे लगते होंगे. यस, तो आपने बहुत पैसे लगाए होंगे. मतलब कि आपको कह सकता हूँ कि मेरी मोस्ट ऑफ द सेविंग्स जो मैंने पिछले करीब 10 साल के अंदर ट्रैवल टूरिज्म के बिजनेस के अंदर करी है वो मैंने पूरी इसमें लगाई है. सारी लगा दी? हाँ, सारी तो नहीं लेकिन हाँ, मैंने लगाई करीब मैंने 15 लाख रुपए इसके ऊपर लगाए हैं. मैंने अपनी प्रॉपर मशीन्स मैंने इकट्ठी करी हैं, कुछ लेबर्स को लेके आया था जो स्किल्ड लेबर्स थे जो इसके ऊपर काम किया करते थे. और अभी भी हम लोग काफी चीजें इसमें आउटसोर्स करते हैं एंड देन वी असेंबल इट एंड या. पर आप तो कह रहे थे ये वर्ल्ड का पहला है. वर्ल्ड का पहला आउटडोर साइकिलिंग जिम मैं जिसकी बात कर रहा हूँ. मैं एक सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस मॉडल बेच रहा हूँ जिसके लिए मैं यहाँ पे आया हूँ. आई एम नॉट हियर फॉर सेलिंग दिस इक्विपमेंट. पर आप ये क्यों नहीं बेच रहे? आप नहीं ये बेच रहे हैं हम लोग. वी आर ऑलरेडी डूइंग इट. हम लोग पहले से ग्रेट. आप हमें जो ग्रेट नहीं है वो बेचना चाहते हैं? नहीं, आपको उससे भी ज्यादा ग्रेट है वो बेचना चाहता हूँ. इसको बेच के तो क्या होगा, एक बार कस्टमर को बेचा उसके बाद में दैट्स ऑल. वो कंपनी आपकी चल रही है अश्वा प्रो पिछले करीब एक साल से बहुत अच्छा कर रही है. लेकिन उसको आप अलग रखना चाहते हो और एक नई कंपनी शुरू कर रहे हो जिसमें ये सब्सक्रिप्शन सर्विस होगा और आप इन्वेस्टमेंट उसमें चाहते हो. यस, तो ये इसमें कितनी रेवेन्यू है? इसके अंदर हम लोगों ने करीब अभी 50 पीस बेचे, अभी 50-60 पीस बेच पाए हैं और वी आर एबल टू अर्न सम 6 लाख टू 7 लाख रुपीस आउट ऑफ सेलिंग ऑल दीस इक्विपमेंट. छोटा सा बिजनेस है, मैं ट्राई करना चाहता हूं. यस प्लीज, आई रियली वांट. आई मीन अमन, इफ यू कैन प्लीज कम. जो जिम में नहीं है वो इसमें क्या है? यू कैन ट्राई दिस वन क्योंकि हम तो बड़ी सस्ती सोसाइटी है. अब जब आप इसको चलाएं तो आपको ऐसा महसूस होगा कि आपके लेफ्ट और राइट दोनों तरफ ये साइकिल मूव हो रही है. आप कंटिन्यू पैडल मारें. आपने पकड़ी क्यों है? तो मेरी साइकिल जब मैं चुकूं पकड़ा भाई साहब. मैंने इसको पकड़ इसलिए रखा है क्योंकि ये लेफ्ट राइट मोशन है इसमें और इनका फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस है. सो यदि आप इस साइकिल को चला के साइकिल तो चलानी आती है लेकिन आपको साइकिल चलाने आती है लेकिन ये मोशन के आपको प्रैक्टिस नहीं है ना. पर ये तो होना ही नहीं चाहिए ना. अरे बेटर है आप तो बोल रहे. मैं तो चाहता हूँ यहाँ गिर जाऊँ ताकि इन्वेस्टमेंट करके ना गिरूं. जो होना अभी हो जाए. आपने जैसे ही रोड पे साइकिल चलाना छोड़ा तो आपका अपने आप गिर जाता है. सो दिस इज व्हाट वी कॉल द रियलिस्टिक रोड लाइक फील. चलाएं, आपकी कोर एंगेज करें. आपका फुल बॉडी वर्कआउट होता है इसमें. फुल बॉडी वर्कआउट होता है. आपका कोर एंगेज करें. शोल्डर्स एंगेज करें. छोड़ दो. टायर को बीच में धीरे चलाएं. इसको टायर को बीच में रखें. टूट साइकिल भाई, हमसे बहुत मेहनत कराते हैं यहाँ पर और आप और मेहनत करा रहे हो. ये मेरी मदर चलाती है 30 मिनट्स तक. नहीं मिलेगी ना सर जिम में. बहुत अच्छा लगा. इसी तरीके से वी हैव डेवलप्ड अ सीरीज ऑफ साइंटिफिक फॉर्म्स ऑफ वर्कआउट. पसीने आ गए? थोड़ा कंफ्यूजिंग है. मेरे को समझ आ गया आप क्या कर रहे हैं. कि आपका मेन बिजनेस था साइकिल पे टूर कराना राजस्थान में, जयपुर में. कोविड आ गया, फॉरेन टूरिस्ट आया नहीं, आपका वो बिजनेस हो गया ठप. आपके पास पड़ी थी साइकिल गैराज में जिस पे चढ़ रही थी मिट्टी. आपने नीचे रोलर लगाए और जो थोड़ी हायर सोसाइटीज़ हैं जयपुर की जाके वहाँ पर आपने बोला जी मैंने एक जिम का कॉन्सेप्ट बना दिया. आप एक जब बिजनेस सोच बना रहे हो तो आपके एक लॉन्गर विजन होना चाहिए कि करना क्या है. इसमें मेरे को ये समझ आ रहा है आप बस जुगाड़ लगा के अपनी दुकान चलाने की कोशिश कर रहे हो. अभी ये जब साइकिल भी कर रहे थे मेरे को दिख रहा था कि ये हिल रहे हैं. ठीक है, मैं फीडबैक दूं, अपना साइकिल चलाना बहुत इजी नहीं था, अजीब सा था कुछ. तो आप ना एक फोर्स कर रहे हो कॉन्सेप्ट अपनी दुकान चलाने के लिए. जिस दिन वापस फॉरेन टूरिस्ट आ गया है जयपुर में
आपने ये सारे साइकिल उठाने हैं यहाँ से, ये ट्राईपोड के आगे दूसरा पहिया लगाना है और उनको ही चक्कर कटवाने हैं जयपुर के। तो इस कारण से मैं आउट हूँ। भाई आप एक और काम कर रहे थे इसके साथ साथ, आप जो टूरिस्ट कराते थे राजस्थान में साइकिल पे, वो तो कोई भी कर सकता है। नहीं, उसमें सिर्फ हम लोगों ने साइकिल इसीलिए डाली क्योंकि वो हमारा खुद का मार्केट बन जाए। अब हम लोग पूरे राजस्थान के अंदर आउट ऑफ 400 कंपनीज टॉपिंग द चार्ट पिछले करीब 5 साल से। कितना बड़ा था वो बिजनेस आपका, रेवेन्यू कितना था आपका? मैं यदि बात करूं 2018 से 2020 जब हमारा ये कोविड लगा था, तो 1,80,00,000 का हम लोगों ने टोटल रेवेन्यू जनरेट किया था, और जिसके अंदर प्रॉफिट मार्जिन की मैं बात करूं तो ऑलमोस्ट 80% प्रॉफिट था उसमें। वेरी नाइस, कुशल वो बिजनेस अच्छा है, वो अच्छा चल रहा है, अच्छा कर रहे हो, उसी को आप एक्सपैंड करने का नहीं सोचा आपने कभी? सर वो ऑटो मोड में आ गया है, एक टाइम बाद में एक बिजनेस इतना ऑटो मोड हो गया है कि अब मुझे उसमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, वो बहुत ही सिस्टमैटिक तरीके से चल रहा है। आपको लगता है आप किसी भी बिजनेस को छोड़ दोगे ना वो खराब हो जाएगा? भाई वो मार्केट से भी छोटी मार्केट है जिसमें अभी आप घुस रहे हो। शायद वो छोटी हो या ये बड़ी हो, लेकिन अब मैं इसके अंदर घुस गया हूँ तो मुझे इतना पता है कि देयर इज नो स्टेप बैक। अरे ये किसने बोला यार? देखो भाई जिद्दीपना अच्छा होता है लेकिन ढीठ मत बनो यार। आपका जो बिजनेस चल रहा है ना वो चलने दो, उसी को बढ़ाओ। इस बिजनेस में कोई कुछ रखा नहीं है, आप टेक्नोलॉजी प्लेयर तो हो नहीं, एक साइकिल एंथुजियास्ट। अगर आपके पास कोई पार्टनर होता ना, को-फाउंडर, जिसको ये टेक्नोलॉजी बनानी आती तो उसको हम 10 जगह यूज कर सकते थे, लेकिन आप अकेले ये नहीं कर सकते, इसलिए मैं आउट हूँ, क्योंकि मैं वो सेकेंड पार्टनर आपका नहीं कर सकता। आपने अपने नजरिए से सही काम किया, लेकिन जो आपका कस्टमर है उसके हिसाब से आपने उसका काम और भी डिफिकल्ट कर दिया। और मुझे लगता है, मेरे पिताजी कहते हैं कि जोश में और दीवानेपन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं होता, लेकिन उस तरफ ज़्यादा चले जाओ ना तो वो खराब कर देता। मैं आपको एडवाइस देना चाह रहा हूँ, इसलिए कह रहा हूँ, मैं तो नहीं इन्वेस्ट कर पाऊंगा। आई विश यू द बेस्ट, बट दैट वुड बी माय एडवाइस। कुशाल मैं भी बाहर हूँ, मुझे लगता है कि आपने काफ़ी डीप रिसर्च करके ये इक्विपमेंट बनाया, पैसा भी लगा दिया 15-20 लाख रुपए। मुझे लगता है कि अगर आपको ये इक्विपमेंट अच्छा बना है और प्रो साइक्लिस्ट यूज़ कर रहे हैं, तो आप ये नीश प्रोडक्ट है, इसको इंटरनेशनल मार्केट्स में सेल कर सकते हैं। कुशाग्र अभी 4 शार्क्स आउट हो गए हैं, और ये जो बोल रहे हैं ये सोसाइटीज़ में आजकल जिम होते हैं ना उनमें पूल व्यू होता है, तो ये जो व्यू आप दे रहे हो ना वो व्यू उनको जिम के अंदर से एयर कंडीशनिंग एंड म्यूजिक के साथ मिलता है। और ऑनेस्टली लोगों को जयपुर जैसे शहर में जहाँ इतनी गर्मी है वहाँ मुश्किल है इसको, बिकॉज 1-2 घंटे में ही आपको किसी सारी साइकिल्स पे सबको बैठना होगा, पर आपके पास लिमिटेड एसेट होगा वहाँ पे, तो बाकी रेस्ट ऑफ द डे तो वो अनबेरेबल होगा। पर आप जो कर रहे हैं साइकिलिंग का बढ़ावा इन सोसाइटीज, वो आपको अपने बलबूते पे ही करना पड़ेगा। मैं आज आपके साथ इसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पाऊंगी, बट बेस्ट ऑफ लक आपके। थैंक यू सो मच। थैंक यू।